सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। यहां के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद और मोदी एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई है। जेआरएल ने बुधवार को कश्मीर में सुरक्षा बलों पर मानवाधिकारों के हनन और नागरिक मौतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। इसी के चलते जेआरएल ने 2 जून को कश्मीर बंद का आह्वान किया है। उपचुनाव के नतीजे इस बार भी हमेशा की तरह भाजपा के लिए खुशी देने वाले नहीं हैं। कैराना में विपक्षी एकता ने भाजपा को पटकनी दे दी है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र के पालघर में भाजपा की जीत हुई। अब अयोध्या में दीपोत्सव के साथ ही रामलीला उत्सव भी कराया जाएगा। बुधवार को एनएक्सी में मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित निर्देश जारी किए। योगी ने कहा कि अयोध्या में रामलीला को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने 24 घंटों के अंदर किसानों का लोन माफ करने का ऐलान किया था। इस मसले को लेकर कुमार स्वामी ने बुधवार को बेंगलुरु में किसानों के साथ बैठक की। इस दौरान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे किसानों से कुमार स्वामी ने कहा कि वे कांग्रेस के समर्थन से सीएम बने हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें कांग्रेस से सलाह मशवरा करना होगा। अंत्योदय मेले में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने किसान आंदोलन का नाम लिए बिना ही कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए तड़प रही है। शिवराज ने कहा, कांग्रेस प्रदेश में अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती है। सूबे में 1 जून से किसानों का आंदोलन शुरू हो रहा है, इसको लेकर प्रदेश में जबरदस्त तनाव व्याप्त है। बिहार की जोकीहार विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत पर तेजस्वी ने खुशी जाहिर करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। पेट्रोल में सिर्फ 1 पैसे की कमी को लेकर अब ट्विटर पर इसको लेकर लोगों ने मोदी सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने एक हैशटैग 1 पैसे की सरकार चलाकर मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की। लगातार 16 दिनों तक कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दामों में महज 1 पैसे की कटौती पर केंद्र सरकार पर राहुल जमकर बरसे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसे बेहद बचकाना और भद्दा मजाक बताया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि तेल के दामों में महज 1 पैसे की गिरावट पिछले दिनों उनके द्वारा दिए गए फ्यूल चैलेंज का उपयुक्त जवाब नहीं हो सकता। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले के बाद कांग्रेस में हलचलें तेज है। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को जाना चाहिए और आरएसएस को ये बताना चाहिए कि उनकी विचारधारा में क्या गलत है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी। इस मामले में पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद ही केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री स्थित बंगला नंबर 6 खाली कर दिया और इसकी चाबियां राज्य संपत्ति अधिकारी को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर सीबीआई ने छापेमारी की, जिससे आप नेता संजय सिंह ने असंवैधानिक करार दिया है। संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। संजय सिंह ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी दिल्ली सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो ये एक नई जांच लगा देते हैं। गुजरात के भरूच शहर में प्रशासन और लोगों के बीच घर्षण की खबर है। राजीव आवास में मकान दिए जाने के बाद भी झुग्गियों का कब्जा न छोड़ने की वजह से ये सब हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर को लेकर छात्र संघ के अध्यक्ष ने बीजेपी पार्टी के कई लोगों पर जिन्ना के समर्थक होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रिश्तों की मर्यादा लांघकर देवर ने अपनी भाभी का बलात्कार किया। वारदात को अंजाम देकर फरार आरोपी को ढूंढने पुलिस ने अपनी तलाश तेज की।
मुंबई के उद्योगपति अखिलेश सिंह के घर एक कार्यक्रम में कई बड़ी सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। जिले के जाने माने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र देव सिंह और जौनपुर के MLC ब्रजेश सिंह ने अखिलेश सिंह के कार्यों की तारीफें की। रामपुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के चंद घंटों बाद ही ससुराल वालों को नशीला पदार्थ देकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।